हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं पॉपुलर अपराइजिंग अप टू 1857, जिसमें हम बात करेंगे जो आपके पास रिवोल्ट्स हुए थे, जो आपके पास रिवोल्ट्स हुए थे अगेंस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट, या फिर अपने लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट जो यहाँ पे रिवोल्ट किए गए थे बाय द पीजेंट कम्युनिटी, उनको हम डील करेंगे। बट ये जो रिवोल्ट हुए हैं अप टू 1857, यहाँ पे दो रीजंस रहेंगे। एक तो रहेगा अप टू 1857 जो रिवोल्ट हुए थे, एंड एक होगा आफ्टर 1857, बिफोर एंड आफ्टर। पहले हम जो डील करेंगे वो बिफोर 1857 करेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसको स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले एक अनाउंसमेंट है कि जैसे कि आपको पता है HPP हिमाचल प्रदेश पुलिस की वैकेंसी जो है, टोटल पोस्ट 1226 टोटल पोस्ट की वैकेंसी जो है वो आउट हो चुकी है। अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज नोटिफिकेशन आएगी कि टोटल डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसीज हैं, कैसे फिल होगा, अभी ये भी नहीं आइडिया है, क्योंकि जब तक पूरा नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते कि पहले एग्जाम कंडक्ट होगा या फिर ग्राउंड होगा, राइट? तो बट हम टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे मेल कॉन्स्टेबल की है 877, फीमेल कॉन्स्टेबल की 292, एंड कॉन्स्टेबल ड्राइवर की है 57। तो यहाँ पे अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो वो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपको फुल ऑनलाइन कोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है एट जस्ट ₹3,999 में, ठीक है? और ये बैच स्टार्ट होने वाला है 29th of May 2023 को, जिसमें आपको पूरा सब्जेक्ट जो है कवर करवाए जाएंगे, पूरा थोरली कोर्स करवाया जाएगा, राइट? एक बैच में सिर्फ 15 एडमिशंस की जाएंगी, तो हरी अप, आप जल्दी से एडमिशन अपने आपको एनरोल करवा सकते हो, ठीक है? आप पहले डेमोज लो, अगर आपको सही लगता है तब आप जो है हमें पे करना, अदरवाइज आप जो है क्विट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? तो इसमें अब जो भी जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, कॉल कर सकता है, नो इश्यू, राइट? तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉपुलर अपराइजिंग की, तो पॉपुलर अपराइजिंग की बात करें जिसमें हम क्या बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे रिवोल्ट्स की। जो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो अपराइजिंग हुई थी, मेनली याद रखना कि ब्रिटिश की तीन प्रोविंसेस थी, यहाँ पे बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। तो मेनली इन्हीं तीन रीजन में करेंगे। दैट मीन्स ये जो रिवोल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक ईस्टर्न इंडिया, आपको वेस्टर्न इंडिया में, आपको नदर्न इंडिया में, एंड आपको सदर्न इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो रिवोल्ट आप यहाँ पे हेल्ड हुए थे इन ईस्टर्न इंडिया में और बंगाल में, राइट? देखो इन रिवोल्ट्स में हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, अगर ये रिवोल्ट सबसे पहले हुआ कौन सी प्रोविंस में रिवोल्ट हुआ है। सेकेंड पॉइंट हमें याद रखना है कि इसके इंपॉर्टेंट लीडर के नाम, और अगर इंपॉर्टेंट है इसका रीजन किसी वजह से तो वो भी हमें याद रखना है। रीजन क्यों ये याद रखना है, ये हमें मेंस में हेल्प करेगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके लीडर का, उसका टाइम पीरियड भी समटाइम क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा पहले हुआ था, कौन सा बाद में हुआ था, कौन से रीजन में हुआ, राइट? और अगर उसके साथ कोई न्यूज़पेपर या फिर कोई जनरल या फिर कोई नोबल एसोसिएटेड है तो उसके बारे में हमें याद रखना है, राइट? तो ये चीजें याद रखनी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज जो रिवोल्ट हुए थे बंगाल में, बंगाल रीजन में जो आपके पास रिवोल्ट हुए हैं उनके बारे में डील करेंगे, राइट? तो बंगाल रीजन में जो हमारे पास रिवोल्ट हुए, जिसमें पहला रिवोल्ट आएगा आपके पास सन्यासी फकीर रिवेलियन, ये कहां पे हुआ आपके पास, बंगाल के बिहार रीजन में हुआ, बंगाल बिहार में। इसका जो टाइम पीरियड था 1763 से 1800 के बीच का टाइम पीरियड था। ये जो मोस्ट प्रोबेबली रिबेलियन जो स्टार्ट हुए थे, जो बंगाल फेमाइन आया था आपके पास, उसके बाद जो है ये आपके पास रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुए थे। चलिए सॉरी, अब इस रिवोल्ट की जो मेन अचीवमेंट थी वो क्या था, वो थी आपके पास हिंदू मुस्लिम यूनिटी,
हिंदू मुस्लिम यूनिटी, राइट। अब यहां पे बात करें इसके जो मेन लीडर्स थे, ये लीडर्स के नाम याद रख लेना, वो थे आपके पास मूसा शाह, मजनू शाह, भवानी पाठक, एंड देवी चौधरानी। तो ये मेन लीडर थे, ठीक है। अब यहां पे और हमें क्या याद रखना है, ये सन्यासी रिवेलियन और सन्यासी फकीर रिवेलियन जो फेमस हुआ था, ठीक है, ये फेमस हुआ था किसके बाद, मतलब इसको जो फेमस किया गया था, यहां पे आपने नाम सुना होगा बंकिम चंद्र चटर्जी बोल लो चाहे चट्टोपाध्याय बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी बात करी थी अपने नोबल में, जिसका नाम था नोबल का आनंद मठ। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, कि किसने इसके बारे में मेंशन किया था आनंद मठ में, तो वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। या पूछा जाएगा कि आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन से रिबेलियन की बात करी थी, तो वो था सन्यासी रिबेलियन और फकीर रिबेलियन, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट रिबेलियन की तरफ, जो आपके पास हुआ था कोल अपराइजिंग, जिसको हम बोलेंगे कोल अपराइजिंग। हम मेन मेन करेंगे, सारे नहीं करेंगे, ठीक है। कोल अपराइजिंग जो आपको कौन से रीजन में हुआ था, छोटा नागपुर रीजन में, छोटा नागपुर प्लेटो वाला जो रीजन है वहां पे ये हेल्ड हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1820 से 37 के बीच में रहेगा। अब ये जो कोल जो थे, दैट मींस ये कोली एक ट्राइबल कम्युनिटी थी जो कहां पे रहती थी, सिंह भूम रीजन में रिसाइड करते थे। तो यहां पे क्या हुआ, अब ये जो कोली ट्राइबल कम्युनिटी थी, ब्रिटिशर ने क्या करना स्टार्ट किया, इनकी ट्राइबल कम्युनिटी के लाइफ में इंटरवीन करना स्टार्ट किया, दैट मींस इंट्रूजन स्टार्ट कर दी ब्रिटिशर ने, इंट्रूड करना स्टार्ट कर दिया। क्या हुआ कि अब देखो, जो एक ट्राइबल कम्युनिटी होती है उसकी एक स्पेशल अटैचमेंट होती है किसके साथ, अपनी लैंड के साथ, अपने फॉरेस्ट के साथ। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिस लैंड में, जिस रीजन में ये रिसाइड करते थे, वहां पे आउटसाइडर्स ने आके रिसाइड करना स्टार्ट कर दिया। मेनली यहाँ पे ये जो आउटसाइडर थे वो थे आपके पास सिख एंड मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अब आउटसाइडर ने यहाँ पे सेटल, आउटसाइडर बाहर से आए और यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हो गए, जिसकी वजह से अब इन ट्राइबल कम्युनिटी को क्या लगा कि अब ये क्या करना चाहते हैं, कि इनका जो ब्रिटिश अथॉरिटी का जो मेन पर्पस है, जिन्होंने इनको अलाउ किया यहाँ पे सिख मुस्लिम को सेटल होने के लिए, जिनका मेन पर्पस क्या है कि ये क्या करना चाहते हैं, हमारी लैंड को, हमारे जो ट्राइबल लैंड है उसको क्या करना चाहते हैं, ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था यहाँ पे रिवोल्ट किया था अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, और ये जो आउटसाइडर इंडिया सॉरी आउटसाइडर इनके रीजन में आगे रहने लगे थे, राइट। तो ये हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा पागलपंथी रिवोल्ट। देखो कुछ ऐसे रिवोल्ट होंगे जिनकी बात जो है हम आफ्टर 1857 भी करेंगे, राइट। पागलपंथी रिवोल्ट ये बंगाल में हुआ इन 1825 में, राइट। अब देखो पागलपंथी ये क्या था आपके पास, एक सेमी रिलीजियस सेक्ट था, सेमी रिलीजियस सेक्ट, जिसको फाउंड किया गया था बाय करम शाह, मतलब एक रिलीजियस सेक्ट था जिसके फाउंडर थे करम शाह, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब करम शाह जिनके बेटे थे टीपू सुल्तान, इन्होंने क्या किया, ये जो पागलपंथी सेक्ट के जो लोग थे, दैट मीन्स इस पागलपंथी सेक्ट के जो पीजेंट थे, इनके कॉज को उठाया, मतलब इनके लिए इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया,
किसने किया? टीपू सुल्तान ने पागलपंती सेक्ट के पीजेंट्स के लिए रिवोल्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट? तो जो इनके जमींदार थे, ठीक है। इन्होंने जमींदार के अगेंस्ट जो है, इनकी मतलब पीजेंट ने, पागलपंथी सेक्ट के पीजेंट्स ने टीपू सुल्तान की लीडरशिप में अगेंस्ट जमींदार रिवोल्ट कर दिया। और फिर 1825 में टीपू सुल्तान ने क्या कर दिया, कैप्चर कर लिया, मतलब इसको टीपू सुल्तान इसका नाम था, ठीक है। टीपू ने कैप्चर किया शेरपुर, और वहां पे क्या बन गया, अपनी मतलब रॉयल पावर जो है एस्टेब्लिश कर ली, शेरपुर को मतलब कैप्चर कर लिया, और वहां पे जो है फिर वहां का राजा बन गया, काइंड ऑफ राइट। तो ये बात याद रखिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास आएगा रिवोल्ट, वो आएगा अहोम रिवोल्ट। अहोम रिवोल्ट, अब ये जो अहोम रिवोल्ट जो हुआ हेल्ड, ये असम में हुआ 1828 में। अब बात यहां पे आती है कि ये जो अहोम रिवोल्ट के क्यों स्टार्ट हुआ। अब यहां पे इसके पीछे रीजन था एंग्लो वर्मा वॉर, जो आपके पास एंग्लो वर्मा वॉर हेल्ड हुई थी, ये आपके पास 1824 से 26 के बीच में हेल्ड हुई थी। तो यहाँ पे ब्रिटिशर जब अहोम रिवोल्ट, दैट मीन्स अहोम कम्युनिटी की लैंड में जब एंटर किए थे, तो इन्होंने क्या बोला था ब्रिटिशर को कि हमें बस इस वर्मा वॉर में, ये जो वर्मा के साथ वॉर चल रहा है, हमें बस तब तक यहाँ पे क्या चाहिए, हम यहाँ पे रिसाइड करेंगे, जैसे ये वर्मा वॉर एंड हो जाएगा हम आपकी टेरिटरी को लीव कर देंगे, राइट। बट जैसे ही ये वॉर एंड हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रिटिश ने जो प्रॉमिस किया था, दैट मीन्स जो ब्रिटिश कंपनी ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्रॉमिस किया था कि वो क्या कर देंगे आफ्टर द वॉर, कि वो क्या कर देंगे, लीव कर देंगे टेरिटरी को। तो यहां पे इन्होंने क्या बोला अहोम ने, कि आपने तो हमें बोला था कि जब वॉर चल रहा था कि हम जैसे वॉर एंड होगा हम आपकी टेरिटरी को छोड़ के चल जाएंगे, बट आपने अभी तक तो अपनी हमारी टेरिटरी को छोड़ा नहीं है, दैट मीन्स अपनी आर्मी को यहाँ से विड्रॉ नहीं किया है, तो अब आप चाहते क्या हो। दैट मीन्स कि अहोम को क्या लगा, जो अहोम कम्युनिटी के जो लोग थे, इनको अब ये मतलब थोड़ा सा इनके अंदर जो है एक थ्रेटन और एक फियर जो है वो जनरेट हो गया। फियर क्यों जनरेट हो गया, अब इनको क्या लगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और ब्रिटिश कंपनी है, ये क्या करना चाहती है, इनकी जो टेरिटरी है, दैट मीन्स अहोम कम्युनिटी की जो टेरिटरी है, इसको क्या करना चाहती है, इसको अपने कंट्रोल में करना चाहती है, दैट मीन्स अपना डोमेन जो है वो, डोमिनियन जो है वो बनाना चाहती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, अब अहोम कम्युनिटी के लोगों ने यहां पे रिवोल्ट कर दिया, अंडर रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के, जिसको इन्होंने क्या डिक्लेयर किया एज, मतलब किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमदर कन्वर। गोमदर कन्वर की लीडरशिप में इन्होंने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया अब वॉर अगेंस्ट, मतलब रिवोल्ट अगेंस्ट किसके, ब्रिटिश अथॉरिटी के, ठीक है। तो ये बात याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट रिवोल्ट जो आपके पास आएगा, वो आएगा आपके पास खासी रिवोल्ट। खासी रिवोल्ट जो खासी हिल्स में हेल्ड हुआ, अब आप लोग मेरे को बताओगे कि खासी हिल्स कौन से स्टेट में पड़ता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये जो हेल्ड हुआ था इन 1829 में हुआ था, ठीक है। अब क्या हुआ, इस खासी हिल को, दिस वॉज कैप्चर्ड बाय ब्रिटिशर इन, ठीक है, इसको मतलब ब्रिटिशर ने क्या कर लिया था, ऑक्यूपाइड कर लिया था, ठीक है। अब जैसे ही इसको यहाँ पे ऑक्यूपाइड किया, तो वहां पे अब खासी हिल्स के जो लोग थे, उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रिवोल्ट कर दिया, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह। तीरथ सिंह ने, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताओगे कि ये जो खासी हिल्स है, जैंतिया हिल्स है, आपके पास गारो हिल्स है, ये कौन से रीजन में पड़ती हैं, राइट। तो ये बात आप बताओगे। फिर बाद में जब यहाँ पे खासी रीजन के लोग ने यहाँ पे क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के, अंडर द लीडरशिप ऑफ तीरथ सिंह, तो ब्रिटिशर ने फिर इस रिवोल्ट को सप्रेस किया था इन 1833 में।
राइट, तो ये बात भी याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आएगा फ्रेजी डिस्टरबेंसेस। ये आपके पास स्टार्ट हुआ ईस्टर्न बंगाल में, इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1838 से 51। तो यहां पे ये जो था फ्राजी एक सेक्ट था जिसको फाउंड किया गया था बाय हाजी शरियत उल्ला, ठीक है, जो फरीदपुर से बिलोंग करते थे, राइट। अब देखो जब ये फराजी डिस्टरबेंसेस और फराजी मूवमेंट जो स्टार्ट हुई, ये जो रिबेलियन जब स्टार्ट हुआ, ये ओरिजिनली जो रिबेलियन था एज अ पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ओरिजिनली इसको हम बोल सकते हैं कि ये पीजेंट मूवमेंट थी और पीजेंट रिबेलियन था, रिवोल्ट था, जो स्टार्ट हुआ था किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स और वी कैन से जो इनके जमींदार थे एंड ब्रिटिश अथॉरिटी के अगेंस्ट, राइट। बट जैसे ही इस सेक्ट के नए लीडर एमर्ज होंगे, मतलब नए लीडर बनेंगे, कौन, डुडू मिया। डुडू मिया जो हाजी शरीयत भाई साहब के क्या थे, बेटे थे। अब जैसे डुडू मिया ने लीडरशिप एज्यूम की इस सेक्ट की, तो अब ये जो पहले पीजेंट मूवमेंट जो स्टार्ट हुई थी, अब ये पीजेंट मूवमेंट जो है किस में कन्वर्ट होगी, रिलीजियस मूवमेंट में। मतलब अब ये सेक्ट जो है रिलीजियस सेक्ट में कन्वर्ट हो गया, और ये मूवमेंट जो है कन्वर्ट होगी रिलीजियस मूवमेंट में। अब ये क्या डिमांड करने लगे, ये डिमांड करने लगे कि दैट मीन्स हमें क्या करना है, यहाँ पे सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो लेके आनी है, और सोशियो पॉलिटिकल रिफॉर्म जो है सोसाइटी में वो लेके आने हैं, राइट। तो ये था आपके पास फराजी डिस्टरबेंसेस। अब देखो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात जब इन्होंने यहाँ पे करी, तो यहाँ पे डुडू मिया भाई साहब ने, क्योंकि रिलीजियस एक्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो डुडू मिया भाई साहब जब अपने आइडियाज को प्रोपागेट करना स्टार्ट किया, तो इन्होंने क्या बोला, दे सेड कि ऑल मैन आर इक्वल, कि सभी मनुष्य जो है वो क्या है, दैट मीन्स ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, और ऑल मैन जो सभी व्यक्ति जो है वो आपके पास इक्वल है, एंड दैट ऑल लैंड, जितनी भी लैंड है वो किसको बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू गॉड, वो बिलोंग करती है गॉड को, ठीक है। एंड वहीं पे बोला नो वन, अगर वो भगवान को बिलोंग करती है तो यहां पे किसी भी व्यक्ति के पास, एंड नो वन हैज द राइट, ठीक है, कि किसी के पास यहां पे राइट नहीं है टू लिवाइट टैक्सेस, टू लिवाइट टैक्स ऑन इट, राइट। कि डुडू मिया ने बोला कि यहां पे जितने भी मैन है वो इक्वल है, और ये सारी की सारी लैंड जो है वो भगवान की लैंड है, तो यहां पे किसी भी व्यक्ति के पास राइट नहीं है कि वो उससे क्या करे, टैक्स जो है कलेक्ट करे, राइट। तो यहां पे अब फराजी मूवमेंट के अंडर क्या किया गया, यहां पे अपोज किया गया, अपोज किया गया किसको, कि जो यहाँ पे जमींदार के पास जो राइट होता था टू कलेक्ट टैक्सेस, ठीक है, कि वो क्या करते थे, कलेक्ट करते थे टैक्स, और इसी के अंडर, दैट मीन जब इन्होंने अपोज किया जमींदार के राइट्स को टू कलेक्ट टैक्सेस, तो यहाँ पे फराजी मूवमेंट के अंदर यहाँ पे इन सम विलेजेस में, सम पार्ट्स ऑफ बंगाल जो थे वहां पे क्या हुआ, पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई, पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म की गई अलोंग विद यहाँ पे विलेजेस कोर्ट्स भी क्या किए गए, एस्टेब्लिश किए गए, जिसके थ्रू इन्होंने क्या किया, अपोज किया जमींदार के राइट को टू कलेक्ट टैक्सेस, राइट। तो ये हुआ था आपके पास फराजी मूवमेंट में। इसके बाद आपके पास आएगा खूंड अपराइजिंग। अब खूंड अपराइजिंग की बात करें तो खूंड जो होती है एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम क्या है, वॉरियर्स, वो अपने आप को एड्रेस करते हैं एज वॉरियर्स। तो याद रखना ये जो खूंड अपराइजिंग है, ये खूंड कम्युनिटी के लोग क्या परफॉर्म करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, ह्यूमन सेक्रीफाइस। ये ह्यूमन सेक्रीफाइस जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जिसको बोला जाता है मरिया, राइट। और इसके जो मेन लीडर थे
वो थे आपके पास चक्रा बिशोई। इसके बाद एक और रिबेलियन आपके पास आएगी, जो लास्ट रिबेलियन करेंगे हम बंगाल में, वो था आपके पास संथल रिबेलियन। ये संथल रिबेलियन कहाँ पे हेल्ड हुआ? राजमहल हिल्स में हेल्ड हुआ। अब आप मेरे को कमेंट में बताओगे कि राजमहल हिल्स कौन से रीजन में पड़ता है, कौन से स्टेट में पड़ता है, ये कब हुआ? 1855 से 56 में हुआ, राइट। तो अगर बात की जाए तो सब जितनी भी ट्राइबल रिवोल्ट हुए थे, जिसमें सबसे मैसिव रिवोल्ट जो था वो ये संथल रिवेलियन था। यहां पे क्या हुआ था कि ये जो संथल ट्राइब के जो लोग थे, ये संथल ट्राइब के लोग क्या करते थे, इनहेबिट करते थे रीजन, जो रीजन आपके पास अलाई करता था बिटवीन द भगलपुर और राजमहल के बीच में, मतलब भगलपुर एंड राजमहल के बीच का जो रीजन था, वहां पे आपको कौन सी ट्राइब मिलेगी? संथल ट्राइब मिलेगी, राइट। जिस रीजन को ये क्या नाम देते थे? दमन आई को, दमन आई को। अब जैसे ही इनके रीजन में कोई एंटर करता था आउटसाइडर, तो आउटसाइडर को ये किस नाम से एड्रेस करते हैं? एड्रेस करते थे दिकुस, राइट। अब देखो यहां पे क्या हुआ, अब जैसे ही ब्रिटिशर ने यहाँ पे मतलब भगलपुर और राजमहल हिल्स की तरफ इंटरवीन करना स्टार्ट किया, मतलब जैसे ही यहाँ पे इन्होंने मतलब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इन्होंने पोस्टल चैनल्स और बीकन से रेल कम्युनिकेशन जो है जब इन्होंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, तो इनको क्या लगा संथल ट्राइब के लोगों को कि ये क्या कर रहे हैं, दीकूस जो है हमारी टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं, राइट। ये हमारी टेरिटरी, सेम जैसी इनकी फीलिंग्स अदर ट्राइबल कम्युनिटी की फीलिंग्स थी, वैसे इनकी भी फीलिंग्स थी। तो इस ट्राइबल कम्युनिटी के जो मेन लीडर थे वो थे सिद्धू एंड कानू, सिद्धू एंड कानू। तो इन्होंने क्या किया, मतलब इनकी लीडरशिप में इन संथल ट्राइब के लोगों ने क्या किया, अब भगलपुर और राजमहल के बीच में जितने भी पोस्टल लाइन थी और जो रेलवे कनेक्शन था उनको क्या कर दिया, ठीक है, रेलवे कनेक्शन और जो ये आपके पास जो पोस्टल लाइन थी उनको क्या कर दिया, कट ऑफ कर दिया अदर रीजन से, ठीक है। अब जैसे ही कट ऑफ किया और यहां पे इन्होंने क्या प्रोक्लामेशन कर दिया कि यहां पे इन्होंने प्रोक्लामेशन कर दिया एंड ऑफ कंपनी रूल, इन्होंने संथल ट्राइब ने, और यहां पे इन्होंने प्रोक्लेम कर दिया एंड ऑफ कंपनी रूल, राइट। तो अब इनके अकॉर्डिंग मतलब जब ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहां पे ट्राइबल कम्युनिटी के अकॉर्डिंग इन इस रिवोल्ट को उन्होंने किस नाम से कंसिडर किया, दैट मीन्स इस रिवोल्ट को उन्होंने डेडिकेट किया एज अ फाइट ऑफ द गुड फॉर ऑफ द गुड अगेंस्ट द इविल, कि मतलब ये एक फाइट है किसके अगेंस्ट, अच्छाई की अगेंस्ट किसके, बुराई के और इविल के, अगेंस्ट इविल, फाइट ऑफ द गुड अगेंस्ट इविल, तो ये बात इन्होंने करी, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया, जैसे मतलब यहाँ पे इन्होंने आपके पास कट ऑफ कर दी पोस्टल लाइंस को, इवन रेल कम्युनिकेशन को, तो अब लास्ट में ब्रिटिशर्स अब आएंगे, तो ब्रिटिशर ने क्या किया यहाँ पे मिलिट्री का यूज किया, मतलब याद रखना कि मिलिट्री को यूज करना पड़ा, पुलिस भी कंट्रोल नहीं कर पाई, इतनी वस्त सिचुएशन हो चुकी थी कि ब्रिटिशर ने यहाँ पे मिलिट्री का यूज किया टू सप्रेस द रिबेलियन। इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए मिलिट्री को बुलाया गया बाय द ब्रिटिश, जिसके थ्रू जो है इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे 1856 में इस रिबेलियन को फिर सप्रेस किया ब्रिटिशर ने, राइट। फिर बाद में जैसे ही सप्रेस हुआ, फिर ब्रिटिशर ने क्या किया, ये जो संथल प्रांगणा था इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में अंडर देयर कंट्रोल, ठीक है। फिर इन्होंने अपने कंट्रोल में जो है इस संथल प्रांगणा को ले लिया। तो ये कुछ रिवोल्ट थे जो हमारे पास हेल्ड हुए थे कहाँ पे, बंगाल रीजन में, ठीक है, बिफोर 1857। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे रिवोल्ट जो हेल्ड हुए थे हमारे पास वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में,
राइट, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।